आज कर्नाटक असेंबली इंतखाबात के नतीजों का दिन है और 224 सीटों के लिए वोटिंग की गिनती जारी है। रुझानों में कांग्रेस अक्सरियत की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है, यानी कि अक्सरियत हासिल भी कर चुकी है। जो रुझान अब तक सामने आ रहे कर्नाटक की सभी 224 सीटों के सबसे सटीक और तेज नतीजों के लिए आप लगातार जी सलाम पर देखते रहिए। एग्जिट पोल के आदादोशुमार के बाद अब कांग्रेस के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। कांग्रेस को पूरा भरोसा है कि उसे कर्नाटक में अक्सरियत मिलेगी। वहीं बीजेपी को मोदी के करिश्मे पर भरोसा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की रैलियों और रोड शो में जिस तरह से भीड़ उमड़ी, उससे बीजेपी का यकीन है कि वो 38 साल पुराने रिवाज को खत्म करते हुए लगातार दूसरी बार कर्नाटक के इख्तदार पर काबिज होगी। बिल्कुल, तो रुझान इस वक्त आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह से जो रुझान आया है 223 सीटों पर। कांग्रेस अभी भी बढ़त बनाए हुए 116 के आंकड़े के साथ कांग्रेस सबसे आगे चल रही है। 76 पर बीजेपी है, 26 पर जेडीएस है, 5 पर आधार का आंकड़ा इस वक्त नजर आ रहा है। और साथ ही साथ ग्राफिक्स के जरिए आप उन उम्मीदवारों को भी देख सकते हैं कौन आगे चल रहा है कौन पीछे चल रहा है। तमाम जानकारी ग्राफिक्स के जरिए बेहतर तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के हौसले बुलंद है। बता दें कि रुझान जैसे जैसे सामने आ रहे हैं, अब तस्वीर और थोड़ी देर में साफ होने लग जाएगी और तब से ही कांग्रेस का जश्न भी देख रहे हैं कि शुरू हो चुका है। और रिजल्ट से पहले कांग्रेस का दावा मुकम्मल होता जा रहा है कि मुकम्मल अक्सरियत की तरफ कांग्रेस बढ़ रही है। रुझानों में जो नतीजे सामने आ रहे हैं, आपको बता दें कि जिस तरीके से रिजल्ट से पहले कांग्रेस दावा कर रही है मुकम्मल अक्सरियत का, सरकार बनेगी, जगदीश शेट्टार इत्तेहाद का सवाल ही नहीं है, ये बोलते नजर आए हैं जगदीश शेट्टार, जो कि बीजेपी से कांग्रेस में आए हैं। हालांकि वो जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, फिलहाल सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि रुझानों में जहां कांग्रेस को अक्सरियत मिलती हुई नजर आ रही है, लेकिन फिर भी नतीजों का हमें इंतजार करना होगा। रिजल्ट विल गिव द क्लियर वर्डिक्ट फॉर द कांग्रेस एंड कांग्रेस विल गेट द क्लियर मेजोरिटी एंड फॉर्म द गवर्नमेंट ऑन देयर ओन। देर इज नो फ्रैक्चर्ड वर्डिक्ट एंड देर इज नो अतंत्र असेंबली, सो इट विल बी ए क्लियर मेजोरिटी एंड कांग्रेस विल गेट द क्लियर मेजोरिटी। नो क्वेश्चन ऑफ अलायंस एंड अदर थिंग्स, इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। तो पार्टी को हासिल हो रही कामयाबी और रुझानों में मुकम्मल अक्सरियत हासिल होने के बाद कांग्रेस ने एक ट्वीट भी किया है, आई एम इनविंसिबल, आई एम सो कॉन्फिडेंट, ये आई एम अनस्टॉपेबल टुडे। आपको बता दें कि एक मशहूर गाना है आई एम अनस्टॉपेबल टुडे, कांग्रेस ने कह दिया अपने ट्वीट के जरिए, मैं नाकाबिले तस्खीर हूं, मैं बहुत पुरातमाद हूं, हां आज मुझे रोका नहीं जा सकता। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के कुछ मनाजिर जो है वो शेयर किए गए इस ट्वीट में। खवातीन के साथ किस तरह राहुल गांधी बातचीत करते हुए भारत जोड़ो यात्रा के दौरान नजर आए थे, उन तमाम तस्वीरों को आज एक बार फिर से कांग्रेस ने सभी के सामने रखा है और इस ट्वीट के जरिए अपनी जो पुरातमादी है उसका इजहार किया है। तो कांग्रेस ने ये ट्वीट किया, आप देख सकते हैं इस वक्त आपको ट्वीट भी दिखा रहे हैं, इस मशहूर गाने का सहारा लिया है, मोटिवेशन एक तरह से कांग्रेस ने दिखाया है कि आज उसे कोई भी नहीं रोक सकता, कर्नाटका की जो सत्ता है उस पर काबिज होने जा रही है कांग्रेस। और इस ट्वीट ने साफ